बिहार के शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बिहार के उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नए साल को लेकर विभाग ने विशेष तैयारी की है। बॉर्डर इलाके में विशेष टीम का गठन किया गया है। इसके साथ साथ विशेष को जिले में भी लगाया गया है। शराब माफियाओं की पहचान की जा रही है। शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जीतन राम मांझी के शराबबंदी कानून वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन बिहार में शराबबंदी है और कानून के तहत ही कार्रवाई होती है। लगातार सवाल उठता है। आप सभी को नमस्कार। इसके बारे में हम लोग सचेत हैं और हम लोग का विभागीय पत्र भी निकला है कि हम लोग खास करके अभी जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया, उस वक्त भी हमारी जो टीमें थी एंटी लिकर टास्क फोर्स की, इसमें एक्साइज के लोग भी हैं और पुलिस के लोग भी हैं, अलर्ट थे सभी जगह पर। और जो नया साल का जश्न मनाया जाएगा कई जगहों पर, उस संदर्भ में भी हम लोग अलर्ट हैं विभिन्न जगहों पर। खास करके आपने जैसा कहा कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर हम लोग अलर्ट हैं, तो हर एक जगह हम लोग की सर्च इत्यादि आज सूचना के आधार पर हो रही है। नए साल में पीते हुए या पीकर पकड़े गए तो किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कठोर कार्रवाई? देखिए, कानून तो स्पष्ट है कि अगर पहली बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको बेल मिलेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा बार कोई पीते हुए पकड़ा गया तो उनको जेल होगी। और जो अगर किसी के पास अवैध शराब या किसी तरह का ड्रग्स इत्यादि मिलता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है नॉन डिलीवर सेक्शन में और उनको न्यायिक हिरासत में साबित किया जाता है। सेहत के लिए शराब जरूरी है, जितना मांझी बोले गुजरात के तौर पर बिहार में। देखिए, जिनको सुर्खियों में रहना है वो इस तरह का बयान दे सकते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करेगा, शराबबंदी कानून का की आप बात कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। इस तरह का बयानबाजी करना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने इसके पक्ष में बयान दिया था और पक्ष में वोट दिया था असेंबली में। दोनों सदनों में एक भी वोट जो है पूर्ण शराबबंदी के विरुद्ध नहीं पड़ा और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी शराबबंदी के पक्ष में वोट दिया। देखिए, इस तरह का अनर्गल बयान देना उनके लिए हो सकता है लोग बोलें, लेकिन यह सच्चाई है कि हम लोग पुलिस विभाग एक्साइज विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन समाज में कुछ लोग गलत होते हैं, ये भी सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत लोग गिरफ्तार नहीं होते शराब के धंधे में जो लिप्त हैं या कारोबारी हैं या सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो वो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और भविष्य में भी होंगी जो कानून का उल्लंघन करेंगे। वो उनका निजी बयान हो सकता है, स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन कानून तो यही है कि पूर्ण शराबबंदी है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा, कोई भी स्टेटस हो उसका, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वतंत्र हैं, हमने जैसे कहा कि अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी नशाबंदी है और रहेगा। धन्यवाद।